वेलकम टू हमारी रसोई। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तंदूरी प्रॉन्स की रेसिपी। बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनते हैं ये तंदूरी प्रॉन्स। तो देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने प्रॉन्स लिया है, ये 500 ग्राम प्रॉन्स है। ये मीडियम साइज़ के हैं, बड़े ज़्यादा बड़े नहीं है पर छोटे भी नहीं है, मीडियम साइज़ के प्रॉन्स है। आप बड़े वाले भी ले सकते हैं। ये रेड चिली पाउडर लिया है मैंने 1 चम्मच भरकर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 चम्मच भरकर, ये हमारा होममेड गरम मसाला है ये भी मैंने आधा चम्मच लिया है, और ये वाइट पेपर पाउडर है ये भी मैंने आधा चम्मच लिया है, एक बड़ा लेमन लिया है हाफ, और ये तंदूरी मसाला, आप कोई भी ब्रांड का तंदूरी मसाला यूज़ कर सकते हैं। दही ली है मैंने 2 चम्मच भरकर मैंने लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी को। तो ये प्रॉन्स को मैंने अच्छे से वॉश करके इसका पूरा पानी निकाल लिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ नमक ऐड करूँगी मैं पहले। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद में मैं इसमें जो लेमन हमने रखा था वो स्क्वीज़ कर दूँगी अच्छे से पूरा। लेमन के बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर और हल्दी और धनिया पाउडर जो हमने रखा था, वाइट पेपर और गरम मसाला, तंदूरी मसाला भी साथ में ऐड कर दिया है मैंने इसमें, दही ऐड करूँगी मैं और थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर ऐड करूँगी, ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद नहीं है और आप नहीं ऐड करना चाहते तो मत ऐड कीजिएगा। मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, कलर काफ़ी अच्छा आता है इससे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए प्रॉन्स में मैंने अच्छे से मसाला पूरा लगा दिया है। अब मैं इसमें एक छोटी सी प्लेट रख रही हूँ, आप कटोरी भी रख सकते हैं, और एक कोयले का, मैंने कोयले को अच्छे से गर्म कर लिया, इसका स्मोक देंगे हम इसे ताकि इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाए तंदूरी का। इसमें कोयला मैंने रख दिया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। घी वगैरह भी या बटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इसे ढक दूँगी मैं अच्छे से, और इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे अभी आधे या पौने घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं मैरिनेशन के लिए। ऐसे ही मैं इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूँगी, बाद में हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा प्रॉन्स अच्छे से मैरिनेट हो गया था, लगभग 1 घंटे हो गए हैं। मैंने इसे स्क्यूएज में लगा लिया है, अब इसे हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। गैस पे मैंने एक पैन रख लिया है, उसमें ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है। अब एक एक करके हम सारे स्क्वेयर इसमें डाल देंगे और प्रॉन्स को अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे प्रॉन्स एक साइड से अच्छे से पक गए हैं, तो अभी इसकी साइड चेंज करेंगे। दूसरे साइड से भी हम इसे अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए हमारे प्रॉन्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे ऑयल से निकाल लूँगी और आपको सॉक करके बताऊँगी अच्छे बने ही हमारे प्रॉन्स। तो ये देखिए हमारे तंदूरी प्रॉन्स बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। मैंने इसे ग्रीन चटनी के साथ और प्याज के साथ सर्व किया है। तो ज़रूर आप ट्राई करना इस रेसिपी को, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।